हेलो गाइस, लास्ट टाइम वी वेर स्टडी एट अबाउट प्रोबेबिलिटी चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस टू डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज द एलिमेंट्री इवेंट. विच इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट. एंड अदर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ठीक है गाइस, पहला कौन सा इवेंट था? एलिमेंट्री इवेंट, और अदर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. नाउ व्हाट इज द एलिमेंट्री इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट अपना क्या है? कैन एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम. एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम, मतलब कि जो इवेंट की सिर्फ एक ही आउटकम है. जैसे लास्ट टाइम कॉइन की बात करते हैं, तो कॉइन के अंदर आप लोगों को पता है ना, 5 रुपीज का कॉइन लिया था, उसके दो आउटकम थे, हेड और क्या थे, टेल. तो हेड आने के चांस कितने हैं? एक, ओनली वन इवेंट, सो ओनली वन आउटकम. सो हेड आने के चांस के प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितने हुए? 1/2. दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट. ऐसे जो भी इवेंट होते हैं गाइस, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट. एंड नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? तो जो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज डिनोटेड बाय P E bar से इसको डिनोट करेंगे. और इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ना होने का इवेंट, दैट इज नॉट ई. जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. मतलब इवेंट नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, नॉट हैपनिंग of any event, event ना आने की probability उसको बोलेंगे complementary event, और event होने की probability को क्या बोलेंगे? elementary event. तो जो certain event था ना last time, जो video में मैंने बताया था कि certain event that is one, तो it is elementary event, और जो uncertain event था that is complementary event. ठीक है ना, इसको denote करेंगे P E bar से. That is means P not E. That means कि head आने की probability 1/2 है. तो head नहीं आने की probability क्या है? तो वो यहाँ पे discuss होगी. ठीक है, okay, आइए एक example से समझते हैं. ठीक है, तो probability of event E और probability of not having event E bar, that is always 1. ये याद रखना कि इसकी फॉर्मूला हमेशा 1 होगी. ठीक है, ये होने की प्रोबेबिलिटी और ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1. तो अगर अपन को ये लाना है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने की फाइन करना है, जैसे हेड अभी मैंने बताया पीछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइन करनी है तो 1 में से हाफ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? हाफ. दैट इज हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इवेंट की होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1, दैट इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? 1. ये एलिमेंट्री इवेंट और ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दैट इज डिनोटेड बाय E bar. तो ये दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा? 1. ओके गाइस, नाउ 15.1 एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या दी गई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई. मैंने पीछे ही आप लोग को बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, उसका सम ऑलवेज क्या होगा? 1. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1. ठीक है, ये आप लोग का फर्स्ट आंसर है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, हैपनिंग ऑफ द इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, दोनों का सम क्या होगा? 1. नाउ सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. पीछे मैंने आपको समझाया था कि जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, दैट इज अनसर्टेन इवेंट, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? 0. एंड सच ए इवेंट इज कॉल्ड अनसर्टेन इवेंट. ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे अपन? अनसर्टेन इवेंट. ठीक है, अनसर्टेन इवेंट, ये आप लोग का आंसर है ना. And now probability of event that is certain to happen, इसकी probability always 1. जैसे मैंने बताया था कि sun rises in the east,
कि सन ऑलवेज ईस्ट में राइज होता है, तो वो बात ट्रूट है और वो होने का ही, कल भी होना ही है वो सन. सो दैट्स वाई इसकी प्रॉबेबिलिटी क्या होगी, वन. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट, दैट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट, है ना, सर्टन इवेंट. और सम ऑफ द प्रॉबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज, और जितने भी प्रॉबेबिलिटी है दैट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, दोनों का सम फिर से क्या होगा, वन. तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, वन, बिकॉज द सम ऑफ द प्रॉबेबिलिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज वन. ठीक है, तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट और नॉट हैपनिंग इवेंट इज वन, प्रॉबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज जीरो, एंड सच ए इवेंट इज कॉल्ड अनसर्टन, क्योंकि यहाँ पे लिखा था नॉट, और यहाँ पे प्रॉबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, जो होने की संभावना है. ठीक है, तो इसकी प्रॉबेबिलिटी ऑलवेज वन, और दिस इवेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट, एंड सम ऑफ द प्रॉबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज वन. किसी भी प्रॉबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होगा, वन. ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन इक्वल टू डैश. आप लोग को मैंने आगे बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज जीरो से क्या होता है, ग्रेटर, और वन से क्या होता है, लेस, दैट इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है ना, और वन से क्या होता है, लेस. तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू वन. नाउ ये दूसरा क्वेश्चन है आज के दिन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैव अ इक्वली लाइकली आउटकम. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली लाइकली आउटकम, डेट मीन्स के उसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांस है. ठीक है ना, लेकिन इक्वल चांस होने चाहिए. जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक फिगर बता दूँ, ठीक है, अब ये फिगर में अगर मैं इसको हाफ करूँगा तो दोनों, अगर ये स्पिनर है तो अगर ये राउंड राउंड इसको आप सर्कुलर वे में राउंड घुमाएंगे तो क्या होगा, दोनों के आने के चांस कैसे होंगे, इक्वल. और अगर मान लो ये स्पिनर के अगर एक पार्ट को मैंने हाफ कर दिया और दूसरे को और हाफ कर दिया तो डेट इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के चांस इक्वल है और यहाँ पे दोनों के चांस इक्वल नहीं है. वैसे ही दूसरा एग्जांपल कॉइन ले लो, कॉइन का एग्जांपल आप देख सकते हो कि उसमें हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है. ठीक है, ये 5 रुपीज का कॉइन है, अगर आप इसको टॉस करोगे तो इसके इक्वल चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो दैट इज नॉट इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है. क्यों नहीं है ये इक्वली लाइकली इवेंट, इसके आंसर्स यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, आंसर्स, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज कि कार स्टार्ट होगी तो होगी, लेकिन नहीं होने के बहुत सारे रीज़न है. अगर कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसका इंजन पुराना होगा, या तो फिर वो किसी कोई फॉल्ट होगा वो कार के अंदर. तो इसको इक्वली लाइकली नहीं कह सकते कि अगर आपने जाके बैठा और कार स्टार्ट करी तो कार स्टार्ट होगी या नहीं भी होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है. या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, और नहीं होगी तो उसके बहुत सारे रीज़न है. तो फर्स्ट आंसर जो है, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज ये अपने आंसर जो इक्वली लाइकली आउटकम है उसे जस्टिफाई नहीं करता है. ठीक है ना, तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, फर्स्ट वाला. ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट. ठीक है ना, सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल के अंदर बॉल को शूट कर रहा है. ठीक है, तो ही और शी शूट और मिस द शॉट, या तो वो शूट कर पाएगा या तो वो मिस करेगा. तो ये भी जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली नहीं कह सकते, क्योंकि या तो अगर अच्छा प्लेयर है तो वो शूट ऑब्वियसली कर पाएगा, और अगर वो बास्केटबॉल का बराबर प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर नहीं है, तो इसका शॉट ऑब्वियसली मिस होगा. तो इट इज ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली, ये भी इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है. ठीक है ना, और थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग. या तो उसका आंसर क्या हो सकता है, राइट, या तो उसका आंसर हो सकता है रॉन्ग. ठीक है, तो राइट भी हो सकता है या तो रॉन्ग. तो ये इक्वली लाइकली है कि अगर आप किसी चीज का आंसर दे रहे हो तो उसका आंसर ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स, दोनों के 50-50 चांस है. इसे इक्वली, जैसे कॉइन में बताया था ना कि हेड और टेल, तो इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, इट इज इक्वली लाइकली इवेंट. और सबसे लास्ट,
अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल. क्या एक बेबी बॉर्न हो रही है, या तो वो बॉय है या तो वो गर्ल है, तो इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली वेड. ये आप पहले से नहीं बता सकते, ठीक है ना, और ऐसा बोल ही नहीं सकते कि बॉय होगा या गर्ल, दोनों होने के इक्वल चांस है, दैट इज इक्वली लाइकली. ओके, थैंक यू. और ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है. वही चीज़ है, फिलिंग द ब्लैंक्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, आप लोग को पता है. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, वो भी आप लोग को पता है, ठीक है. एंड द फॉर एनी इवेंट ई, दैट इज पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, है ना, तो वो भी आप लोग को पता है, ठीक है. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट बट नॉट श्योर लाइज बिटवीन, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होती है, कौन से नंबर के बीच में है. और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, के किसी भी प्रोबेबिलिटी के सम क्या होगा, ठीक है. तो ये जो है वो आपको करना है, ठीक है. और एक सम मैं आपको दे रहा हूँ नीचे. कॉइन इज टॉस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. ये नाइन्थ में भी था कि अगर कोई कॉइन टॉस करोगे तो उस पर टेल कितनी बार आएगा, ठीक है ना. तो आज के ये पाँच सम आपको करने हैं, ठीक है, होमवर्क में. ओके, थैंक यू गाइज.